हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल घंटा स्टडी में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। तो ये जो वीडियोस होगी ये सीरीज़ में होगी, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैं आप सबको एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ इसमें हम कंटेम्प्रेरी इशूज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्स्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बिल्कुल ईजी वे में हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ओके? और गाइज, हमने आज का भी करंट अफेयर्स दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपलोड कर दिया है, और हम ये डेली करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट अप। सो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अगर आप रेडी हो हमारे घंटों का ज्ञान मिनटों में समझने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। ऑल राइट, सो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज अबाउट बायोस्फीयर। तो व्हाट इज अ बायोस्फीयर? तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो द बायोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ओके, सो बिल्कुल क्या है ये एक लेयर है, ओके? किसका? ऑफ द प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। सो जैसे आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फियर, थर्मोस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, तो ये सब क्या है? ये है कंपोनेंट ऑफ बायोस्फियर। ओके, तो ये था बायोस्फियर के बारे में। अब बायोस्फियर का एक्सटेंट कहां से कहां तक हो सकता है? तो इसका आइडिया आप देखो यहां पर कि द लेयर ऑफ बायोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम हाइट्स ऑफ अप टू 10 किलोमीटर्स अबव सी लेवल टू डेप्थ्स ऑफ द ओशन। तो ओशन के फ्लोर से, ओशन के बेस से अप टू 10 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल, दिस इज वेयर द लाइफ एक्चुअली एग्जिस्ट, एंड दैट्स ट्रू। ऑल राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर के बारे में। तो जो बायोस्फीयर है हमारा, यहाँ पर होते हैं हमारे तीन कंपोनेंट्स। कौन कौन से? फर्स्ट इट इज एबायोटिक, सेकंड इट इज बायोटिक, एंड थर्ड इज एनर्जी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेनली बायोस्फीयर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स का। एबायोटिक क्या होता है? ए प्लस बायोटिक मतलब विदाउट एनी लाइफ। तो ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे, These are the abiotic components of biosphere. ठीक है, इसमें आता है क्या क्या? First is atmosphere, then we have hydrosphere, then lithosphere. तो ये जो abiotic component है ये किसका हिस्सा होता है? Ecosphere का। ठीक है, जहां पर ये तीनों interact करते हैं, that is our ecosphere, and overall हम पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं? That is biosphere, because यहीं पर हमारा life exist करेगा। ठीक है, तो ये था एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिक्चर में बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक प्लांट है। ऑल राइट, ये एक प्लांट है हमारा, ये भी एक बायोटिक कंपोनेंट है। यहाँ पर क्यूट किटन्स आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल खुशी खुशी ये किटन्स, पता नहीं किसे देख रहे हैं आप, देखो आपको समझ में आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये है एनिमल, दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एंड थर्ड इज माइक्रोब्स, ये हमारे माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स में अपने एल्गी, सॉरी माइक्रोब्स में हमारे आते हैं बैक्टीरिया, ओके, एंड फंजाई को भी आप माइक्रोब्स में कह सकते हो, बिकॉज सम फंजाई आर ऑल्सो वेरी माइक्रोस्कोपिक। तो ये हमारे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, हम भी किस में आते हैं? हम भी आते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट में। ठीक, तो ये थे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो चलिए हम थोड़ा अब अच्छे से इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। तो पिछले स्लाइड में जैसे हमने देखा कि ये प्लांट था, प्लांट क्या होता है? प्लांट प्रोड्यूसर भी होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर हम क्यों कह रहे हैं प्लांट को? बिकॉज प्लांट के पास एबिलिटी है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो एक नया टर्म यूज हुआ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें कि हमारा जो सनलाइट है, जो उसके अंदर जो एनर्जी होती है सन के अंदर रेडिएंट एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ओके, तो गाइस इस केमिकल एनर्जी का यूज करके प्लांट क्या करता है? एनर्जी को
कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है, और यही कार्बोहाइड्रेट ये खुद के प्रोसेस के लिए स्टोर करता है, और फिर इनसे एनर्जी किसको जाती है, हमारे एनिमल्स को, विच आर द कंज्यूमर्स। तो ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो डायटम्स और जूक्स एंथले है, ये दो एल्गल टाइप्स हैं, ठीक है, ये दो टाइप ऑफ एल्गी है। तो हमारा जो कोरल इकोसिस्टम होता है, ठीक है, कोरल इकोसिस्टम में हमारे जो कोरल्स होते हैं विच बिलोंग टू द क्लास एंथोजोआ एंड द फाइलम निडेरिया, यहाँ पर होता क्या है कि दीज कोरल्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विथ आवर जुक्स एंथले, ठीक है, यहाँ पर इस रीजन्स पे कोरल्स के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जुक्स एंथले एल्गी का, ठीक, यहाँ इस फिगर में आपको क्लियर दिख जाएगा यहाँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ डायटम्स भी यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, ठीक, विथ डाई एटम्स, मतलब दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बाहर, ठीक। तो ये हमने आपको दिखाना चाहा कि ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो यहाँ डेवलप हो रहा है हमारे कोरल्स और हमारे एल्गी के बीच में। तो सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दैट वाज माय पॉइंट। ओके, एक फैक्ट और आपको बताना चाहूंगा मैं, दैट इज 1/4 ऑफ द एंटायर बायोमास इज डायटम्स ओनली। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि बायोमास मतलब कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे डायटम्स इन द बायोमास, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस अच्छे से समझाता हूँ। इस डायग्राम में आप देख रहे हो सन से आ रहा है सनलाइट, ये सनलाइट परसीव कर रहे हैं हमारे लीफ, ऑल राइट। नाउ इस लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स होते हैं, और उसके अंदर हमारा होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है किसके, एक ऑर्गेनेल के अंदर जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ऑल राइट, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा आई एम श्योर। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या हमारा, क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस से, यही क्लोरोफिल के वजह से क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और फिर यही केमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो आपने बहुत ही फेमस इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस का वो आपने देखा ही होगा, दैट इज 6CO2 + 12H2O फॉर्म्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड देन लाइक 6CO2 + 12H2O, ठीक है गाइस। तो यहां पर इससे क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और प्लस वाटर रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कीमोसिंथेसिस। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो अपना प्राइमरी मटीरियल होता है जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाएगा वो सनलाइट नहीं होगा, इस केस में क्या होगा हमारा, केमिकल कंपाउंड्स होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है शुगर में एंड सल्फ्यूरिक एसिड में, और यहाँ पे कहीं पे भी लाइट का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है दैट इज कीमोसिंथेसिस, एंड कीमोसिंथेसिस इज मेनली यूज्ड बाय आवर बैक्टीरियाज, ओके, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया टू बी मोर श्योर, टू बी मोर एक्यूरेट। चलिए नाउ हम बात करते हैं साइट्स ऑफ कीमोसिंथेसिस के बारे में। तो ये कीमोसिंथेसिस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो पहला है हमारा ओशनिक फ्लोर, दैट इज ओशन के बेड पे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे माइक्रोब्स, बिकॉज ओशनिक फ्लोर पर हमारा लाइट नहीं पहुँचता। ओशन के बेड पर, अगर ये ओशन का बेड है तो लाइट बिल्कुल बेस तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, ये अराउंड 300 मीटर्स तक ही रहता है, ऑल राइट गाइस। तो यहाँ पर कीमोसिंथेसिस का आपको प्रोसेस देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा ब्राइन पूल्स, ठीक है गाइस, ब्राइन पूल्स में आपको कीमोसिंथेसिस का साइट, मतलब कीमोसिंथेसिस प्रोसेस ब्राइन पूल्स वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा। अब ये ब्राइन पूल क्या है गाइस और ये ओशनिक फ्लोर क्या है, दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो ओशनिक बेल्ट जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, क्यों? क्योंकि इट इज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारे ओशनिक बेल्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिडन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम कहते हैं गैस हाइड्रेट्स एंड पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ ओशन, दैट इज एट द ओशनिक बेल्ट्स। तो इंडिया की अगर बात करें, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव में है कि जो गैस हाइड्रेट रिजर्व्स हैं इंडिया में वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो गाइज ये प्रेजेंट है पहला कृष्णा गोदावरी बेसिन में एंड ऑल्सो नियर केरला कोंकण बेसिन। तो आप ये याद रखिएगा बिकॉज इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज इंडिया करने वाला है, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि तेल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ जा रही है आज के डेट में। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि नियर द ओशनिक बेड्स पीएमएनस आर ऑल्सो प्रेजेंट। पीएमएनस का मतलब क्या हुआ हमारा? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये बहुत ही आपको न्यूज में देखने को मिलेगा कि पीएमएनस की बहुत बात हो रही है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बारे में इंडिया को अथॉरिटी भी मिली है। तो होता क्या एक्चुअली, ये एक छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, यहाँ फिगर में आप देख सकते हो, ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट मेटल्स होते हैं, जैसे अपना मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, ओके एंड निकल। तो ये सब इम्पॉर्टेंट मेटल्स होते हैं नोड्यूल्स के फॉर्म में, जिसका हम यूज कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एंड ये जो होते हैं रॉकी फॉर्म में पोरस होते हैं एंड इट कैन बी यूज फॉर एनर्जी पर्पस। इसके बाद जो ब्राइन पूल्स था, तो ब्राइन पूल गाइज आप बस इतना समझ लीजिए कि ये उस रीजन को कहते हैं वाटर बॉडी को, उस रीजन ऑफ वाटर बॉडी को हम ब्राइन पूल कहते हैं, जहां पर जो सैलिनिटी होगी वो हमारी 3 times ज्यादा होगी बाकी रीजन से, ठीक है। दूसरे रीजन के कंपैरिजन में उस रीजन की सैलिनिटी 3 times ज्यादा होगी। और वहां पर ऐसे रीजन को अगर आप चेक करोगे तो वहां पर मीथेन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। इसको सी फ्लोर लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सैलिनिटी होती है। तो ये 2 है जहां पर आपको कीमोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। तो अब थोड़ा हम कंटेम्प्रेरी स्टडी की ओर भी ध्यान देते हैं। तो अभी जो मैंने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में बात की थी, तो बिल्कुल इसी ईयर हमारे जुलाई 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 8,000 crore का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर विच प्रोजेक्ट, याद रखिएगा गाइज, द डीप ओशन मिशन, ठीक है। तो द डीप ओशन मिशन में 8,000 crore अराउंड अप्रोक्सीमेटली 8,000 crore मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज इन्वेस्टिंग। तो इसकी खासियत क्या होगी, इसका मेन फोकस क्या होगा? तो द मेन फोकस विल बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डीसैलिनाइजेशन प्लांट। तो बेसिकली डीसैलिनाइजेशन प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट होगा, ठीक है, सैलिनिटी को कम किया जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि इट वुड बी बेस्ड ऑन द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज टाइडल एनर्जी। तो एनर्जी एफिशियंट होगा, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, दूसरा एप्लीकेशन होगा कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सबमर्सिबल व्हीकल जो इंडिया में ही डेवलप होगा, और इसकी एबिलिटी होगी इट कैन गो अप टू द डेप्थ ऑफ 6,000 meters एंड इट कैन कैरी 3% फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पीएमएनस। तो हम ओशन के बेड से पीएमएनस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द प्रोग्राम ऑफ पीएमएनस वाज इनिशिएटेड एट सीएसआईआर एनआईओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी विद द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट नोड्यूल सैंपल फ्रॉम अरेबियन सी। तो गाइज ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है, इस पर बहुत पहले से इंडिया में काम हो रहा है और अरेबियन सी में सबसे पहला नोड्यूल सैंपल एक्सट्रैक्ट किया गया था, किस रिसर्च वेसल की मदद से? तो गवेशनी, ठीक है गाइस, इसका नाम याद रखिएगा, ये एक रिसर्च वेसल का नाम है गवेशनी, इसका यूज किया गया था फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट नोड्यूल सैंपल। ये इसकी, इस रिसर्च वेसल की इमेज है, ठीक, 26 January 1981 में हुआ था। एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव बीन गिवन द पायनियर एरिया फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी मिनरल। तो इंडिया सबसे पहला कंट्री है जिसको इसकी अथॉरिटी दी गई है टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीप सी मिनरल, ठीक है, इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन इन 1987। तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है जो एज एन इंडियन आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए बिल्कुल। और अभी का जो न्यूज है उसमें इंडिया हैज बीन अलॉटेड अ साइट ऑफ 150,000 स्क्वायर किलोमीटर इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। इस जगह पर इंडिया को 150,000 स्क्वायर किलोमीटर साइट प्रोवाइड किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आईएसए, किस लिए? फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीएमएनस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है।
विच इज एन एमलगमेशन ऑफ आयरन एंड मैंगनीज हाइड्रोक्साइड्स, जो आपको पता ही है। तो इस इंपॉर्टेंट से पर्सपेक्टिव में आप याद रख सकते हैं, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेकर है। ठीक है, बात करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर के बारे में, तो ये भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे अर्थ का, दैट इज सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स। तो सैप्रोफाइट्स क्या होता है? सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड रिमेन्स पर फीड करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहे हैं, दीज आर सैप्रोफाइट्स। बेसिकली बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, ये सब सैप्रोफाइट्स कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको होस्ट कहते हैं और इनको कहते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स में आप वोम कैटेगरी जो होती है, वोम एनिमल्स में सिल्क वोम, टेप वोम एटसेट्रा, राउंड वोम, ये सब पैरासाइट की तरह काम करते हैं। प्लांट के केस में कस्क्यूटा बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपको ये बताने के लिए पैरासाइट का। थर्ड है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी मरे हुए जानवर पे फीड करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको फिगर में देख रहे हो, वल्चर्स। तो वल्चर्स आर द मोस्ट पॉपुलर स्कैवेंजर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। अब वल्चर्स के बारे में आपको एक और फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि 90% वल्चर्स जो है इंडिया में ये वैनिश हो चुके हैं। आपको वल्चर्स इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था द यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग डाइक्लोफेनाक। गाइज इसका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो डाइक्लोफेनाक ड्रग एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जिसके वजह से वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 90% वैनिश हो चुकी है। अब ये डाइक्लोफेनाक का इनडायरेक्ट रोल है इनके वैनिश होने पे। कैसे? तो ये जो डाइक्लोफेनाक है ये डायरेक्टली यूज किया जाता है कैटल्स पर। ठीक है, इसको यूज किया जाता है कैटल्स पे, और फिर जब इन मरे हुए कैटल्स पे सपोज ये वल्चर फीड करते हैं तो जाके ये जो ड्रग है ये इनके बॉडी में आ जाता है। अब इनके बॉडी में क्या होता है कि इनकी इम्यूनिटी, ह्यूमन बींग की इम्यूनिटी, कैटल की इम्यूनिटी डिफरेंट है। ठीक है, इनकी इम्यूनिटी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। तो इनके लिए, इनके बॉडी के लिए डाइक्लोफेनाक इज नॉट गुड। तो होता क्या है कि इनका किडनी फेलियर हो जाता है। इन बर्ड्स का, इस वल्चर का किडनी फेलियर हो गया है डाइक्लोफेनाक के यूज के वजह से, जिसके वजह से आप 90% रिडक्शन देख सकते हैं इनके पॉपुलेशन में। और साथ ही साथ क्या हुआ, ये नेचर का बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रूल है कि जब एक को नुकसान होता है तो दूसरे को उसका फायदा मिल जाता है। तो जहां वल्चर्स की आबादी कम हुई, वहीं जो हमारे वाइल्ड डॉग हैं, हमारे वाइल्ड डॉग का पॉपुलेशन बढ़ गया। बिकॉज दोनों स्कैवेंजर्स हैं, तो एक की पॉपुलेशन कम होगी तो दूसरे को ऑब्वियसली फायदा मिलेगा क्योंकि कंपटीशन कम हो रहा है। तो ये चीज थी। तीसरा जो कंपोनेंट था गाइस, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको पता है, एबायोटिक के बारे में हमने बात कर लिया, बायोटिक के बारे में भी हमने बात कर दिया, और तीसरा है एनर्जी कंपोनेंट। एनर्जी कंपोनेंट में आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, आप देख सकते हो उस फिगर में कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर इज सन। सन से ही सारा प्रोसेस शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग विद फोटोसिंथेसिस, और वहां से ट्रांसफर होता है एनर्जी इन द फूड चेन, जिसमें कि हम भी आते हैं, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एटसेट्रा, ये आपने पढ़ा है। एंड दिस इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट्स इट। और यही होता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और फिर उससे फूड एसिमिलेशन होके कहां पर जाता है, ये प्रोड्यूसर के पास, फिर प्रोड्यूसर से होते ये वापस रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, तो ये था एनर्जी कंपोनेंट। तो नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी कहते किसे हैं भाई, तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। It is not only the study of habitat in which an organism lives, but also the study of two types of mutual interactions. So basically, ecology क्या है? It is the study of habitat in which an organism lives, and क्या? And the interaction which is occurring between first that is biotic component and दूसरा between abiotic and biotic component. तो ecology को अगर मैं समझाना चाहूँ आपको easy term में, तो ecology
उस स्टडी को कहते हैं जहां पर कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट का स्टडी करते हैं और साथ ही साथ उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, उस ओवरऑल स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस इंटरेक्शन की स्टडी करके जो इकोलॉजिस्ट होता है, जो इस ब्रांच के बारे में स्टडी करता है, वो पता लगा सकता है स्पीशीज डाइवर्सिटी का। ठीक है, दैट पर्सन कैन ईजिली by doing ecological studies find out the species diversity of particular species, उनका abundance पता कर सकता है कि उनके individuals कितने का rate क्या है, कितने individuals हैं उस species में, as well as genetic variation, उन species में किस किस तरह के और कितने genetic variations present हैं, ये भी पता लगाया जा सकता है। तो ये इसलिए इस perspective में ये बहुत important है और हम ecology के बारे में next videos में भी अच्छे से बात करेंगे। दूसरा term है ecosystem। ठीक है, पहला था इकोलॉजी, दूसरा टर्म है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। तो अगर बायोस्फीयर की आप बात करते हो तो उसका जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज आवर इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में तीन सिमिलर कंपोनेंट्स होंगे जैसा कि अभी हमने देखा ही था। और क्योंकि ये इकोसिस्टम किसका हिस्सा है? बायोस्फीयर का। तो जो कंपोनेंट बायोस्फीयर का होगा वही तो कंपोनेंट इकोसिस्टम का भी होगा। तो इकोसिस्टम के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक एंड एनर्जी कंपोनेंट। ठीक है, अब इकोसिस्टम का अगर आप सोचो तो इकोसिस्टम कैन बी एज लार्ज एज लाइक ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जितना बड़ा भी हो सकता है, एंड इट कैन बी एज स्मॉल लाइक दैट ऑफ द इकोसिस्टम विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय बैक्टीरिया सेल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में आपको पता है कि अच्छे बैक्टीरियाज भी रहते हैं। ठीक है, इकोलाई आपने नाम सुना ही होगा। तो हमारे बॉडी में जो इकोलाई होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी, हमारा बॉडी उनके लिए क्या है? इकोसिस्टम है। ठीक है, एक छोटा सा इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया जो बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडी में रह रहा है। तो गाइज यही था हमारा आज का पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश की है। तो गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। सो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अलग अलग इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।